भी देने के लिए जा रहा हूँ सुबह की चाय। वहाँ पर भी मूँगफली निकल रहे हैं। कल थोड़ी सी आधी निकाली थी ये कुएं तक, अभी बाकी है तो चाय लेके जा रहा हूँ। अभी बन गए हैं 10। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ऐसे ही ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। तो अभी वो जो हम कल मूँगफली निकाल रहे थे, अभी वहाँ पर थोड़ी सी बाकी है, और बाकी ये हमारे घर के पास के खेत में निकालने वाले हैं, और चारा भरने भी जाना है हमें। तो वो जो दूसरे खेत पड़ा था कल के व्लॉग में, आपने देखा कि एक भारी हम लेने गए थे, तभी 3 भारी हम ले गए थे बाइक में, और 6 भारी वहाँ पर ही पड़ी हुई थी। तो वो बैलगाड़ी लेके जाने वाले हैं, वो भी आपको देखने का मिलेगा। थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ, और वो बाकी ये यहाँ पर अभी घर के पास के खेत में काटेंगे, वहाँ बस पूरा ही होने वाला है। तो फिर यहाँ पर स्प्रेयर लगाएंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच कि कल के वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। तो ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहना, तो हमें भी अच्छा लगता है। वीडियो बनाने में एक खुशी होती है कि नहीं, हमें लोग देखते हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, और लाइक्स भी अच्छी आई है। 100 लाइक्स उसमें कम्प्लीट हो गई है इतने व्यू में। अभी तो 700-800 व्यू है, उसमें भी 100 लाइक कम्प्लीट हो गई। इसका मतलब 700 जो आदमी है उसमें से 100 को वीडियो अच्छा लगा, और सबको अच्छा तो लगता है लेकिन लाइक कम करते हैं। तो वीडियो को लाइक किया करो। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत पे। यहाँ पे घास लेने आए थे, वो वहाँ पर पड़ा है 4-5 भारी, तो बाइक से नहीं ले जा सकते, बैलगाड़ी ले आए इसलिए। तो अभी पहुँचे हैं पीपरापा के मंदिर पर। अभी ये छाँव है इसलिए बैठे हैं। तो 5 भारी खड़े है, बरू बहुत ज़्यादा हो गया। चलो बरू काट रहे। तो अभी ये कल 3 भारी ले गए थे, अभी ये 5 भारी ऊपर रखी है। तो अभी पहुँचे हैं हमारे घर के पास के खेत से। तो मोटो टन ले गए। अभी यहाँ पर फुहारा लगा रहे हैं, तो इस तरह मूँगफली निकल रही है, और हम यहाँ पर बेल लेके जा रहे हैं दीपक भाई और मैं। तो भी इस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पाइपलाइन फिट है, फुहारा चल रहा है, इसलिए यहाँ पास के ये भाई खेत से पानी आ रहा है। तो ये हमारे बैल कई दिनों से नहीं चले थे, तो वो उसको ये बैलगाड़ी में मज़ा आता है, क्योंकि इतनी भारी नहीं लगती।
तो अभी इस खेत में निकल रही है मूंगफली, वो ये खेत भी आधा हो गया और पापा वो सब वहाँ पर स्प्रेयर की तैयारी कर रहे हैं, चाचा आगे ट्रैक्टर चला रहे हैं और भैया वहाँ पर बैलों को और सभी को वो चरा रहे हैं क्योंकि हरा घास हो गया था तो वहाँ पर बैलों को चरा रहा है। और ये खेत भी अभी पूरा ही करने वाले हैं, फिर शायद ये खेत निकालेंगे ये घर के पास का, तो लगभग तो निकाल ही देंगे। और स्प्रेयर की पाइपलाइन यहाँ से फिट की है, यहाँ हमारे घर के पास से ही। तो अभी वैसे ये खेत में चालू कर दिया है, चाचा चला रहा है ट्रैक्टर, तो ये खेत पूरा कर देंगे अभी। फिर रात में इसमें स्प्रेयर लगाना है और फिर कल मूंगफली इकट्ठी करेंगे। तो अभी इसमें चला रहे हैं और ये खेत अभी चला दिया है। वो खेत में तो मूंगफली भी इकट्ठी करने लगी, मैं उस तरफ नहीं गया लेकिन कल ज़रूर दिखाऊँगा आपको। और इसमें स्प्रेयर लगा रहे हैं, अभी आधा खेत लगभग पूरा हो गया। ये दो राउंड चलते हैं यहाँ से वहाँ से वापस आके, क्योंकि ये छोटा सा खेत है और एक बार अभी और लगाना पड़ेगा फिर पूरा। तो अभी बंद किया है और चेंज करेंगे, उस तरफ लेंगे। तो गर्मी इतनी पड़ रही है तो फ्लावर सूख रहे थे हमारे, तो वो पानी इसमें दे रहे हैं तो एकदम हरे भरे हो जाएंगे शाम में। तो वो तो अभी वो चेंज कर रहे हैं फुहारे की लाइन, इसलिए मोटर बंद की है, इसलिए पानी बंद हो गया, वरना अभी चालू होगी वापस। वो ऐसे घूम के वहाँ तक पीछे तक जाएगा और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखो आप। और आज तो बैलों को और सभी को बाहर चलने के लिए छोड़ा था, इसलिए अच्छे तरीके से उसका पेट भर दिया है उनका, ये देख सकते हैं। फिर भी ये बैल अभी तो खा रहा है, वैसे ये खाता बहुत है लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि इसकी हाइट भी लंबी है, वैसे उससे बड़ा है, ये दिखता नहीं है। वो थोड़ा खाता है, कम, इससे कम खाता है लेकिन वो दिखता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और ये ऐसे ही रहता है, ऐसे आपको दुबला लगता होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा खाता है, दुबला है नहीं। तो वैसे आज का व्लॉग हम एंड करेंगे, अभी बज गए हैं शाम के, वैसे तो साढ़े छः बज गए। और आज तो अभी मैंने सेल्फी में कुछ इतना ज़्यादा आपको बोला भी नहीं है और शूट भी नहीं किया है, ज़्यादातर बैक कैमरा यूज़ किया है क्योंकि ऐसे दिखाने का जब होता है तब बैक कैमरा ही अच्छा रहता है। तो ऐसे ही अब हमारे व्लॉग बनेंगे अंत तक, क्योंकि मौसम चालू हो गई है, सभी खेत में काम हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ये खेत में स्प्रेयर लग रहे हैं, आपको दिखते होंगे। तो ये लास्ट अभी राउंड बाकी है, फिर ये घर के पास का खेत है वो उसमें चलाएंगे। तो तीन खेत में मूंगफली निकल चुकी है, अभी नहीं निकालेंगे हम, अभी वो एक गांव के पास का वाला खेत है वहाँ निकलने तो पता नहीं, लेकिन अभी ये ओपनर में से निकल कर दूसरे बाकी सब खेत निकलेंगे, क्योंकि जो निचाड़ वाले खेत है वो अभी गीले हैं, इसलिए बस अभी तीन खेत तो निकालें, वो तो आपको आगे दिखाऊंगा। और अभी थोड़ा सा वो रहेगा कि एग्ज़ाम आने वाली है तो थोड़ा सा वीडियो कभी ना आए तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन लगभग तो वीडियो आ ही जाएगा क्योंकि सुबह का टाइम है और इतना टाइम रहेगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे लेकिन अच्छा वीडियो बनाएंगे। वैसे आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो खास करके कमेंट में बताएं। अभी मैं टेरेस ऊपर आया था, यहाँ पर एडिटिंग कर लूँगा, नीचे तो गर्मी होती है घर में क्योंकि पूरे दिन यहाँ पर धूप पड़ी रहती है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जवान जय किसान जय भारत जय हिंद। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में खास बता देना, और आगे आपको क्या देखना है भी थोड़ा सा लिख देना, तो ट्राई करूँगा वो मेरे से शक्य होगा। तो बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में जल्दी ही।